कि रह रहे के बदलते हैं दिन रात नए चोले, मतलब के ये रसिया हैं, इन पर कोई क्या बोले। ममता बनर्जी जी चंडी पाठ करने लगी चुनावी मंच से, प्रियंका गांधी जी देवी स्तुति कहने लगी चुनावी मंच से, अखिलेश जी को सपने में भगवान नजर आने लगे, राहुल गांधी मंदिर मंदिर जाने लगे और केजरीवाल जी को नोट पर भगवान का आख्यान नजर आने लगा। कितना बदलाव आ गया भारत की राजनीति। अरे सर, कि सबसे बेहतरीन पॉलिटिकल पार्टियों में शुमार। आम आदमी पार्टी का कहना है कि भैया इंडियन करेंसी नोटों पर हमारे भगवान श्री गणेश जी और लक्ष्मी माता की फोटो को छाप देना चाहिए। तो दोस्तों, इसी मुद्दे पर आज की डिबेट भी चल रही है। डिबेट के अंदर बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी और संजय सिंह जो कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है, इन दोनों के बीच हमें तीखी बहस देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, आगे वीडियो में आप खुद ही देख लीजिए और लुत्फ उठाइए और हमें भी उठाने दीजिए। मैंने इसलिए धीर जी की बाइक चलाई। संजय जी दिखाइए, संजय जी को, संजय जी, वो इसलिए क्योंकि कांग्रेस पार्टी कह रही है कि आप लोग बीजेपी का ही छोटा पैक साबित हो रहे हैं। क्या मंशा है इसके पीछे संजय जी, जरा आपसे समझेंगे। क्या किसी की फोटो, देवी देवता भगवान अपनी जगह, आप ही लोग कहते थे ना मंदिर में निजी मकसद से पूजा होनी चाहिए, क्या नोट पर भगवान की फोटो लग जाने से अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी? देखिए अंजना जी, मैं तो हैरान हूँ कि जब से 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की अरविंद केजरीवाल जी ने और उन्होंने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की फोटो करेंसी के एक तरफ और भगवान गणेश लक्ष्मी की फोटो करेंसी की दूसरी साइड में हो, ऐसी मैं मांग प्रधानमंत्री जी से करता हूँ, पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी, इनके सारे प्रवक्ता, सारे नेता खिलाफ में खड़े हो गए, गालियां दे रहे हैं, तलवार लेके खड़े हो गए कि भाई भगवान गणेश लक्ष्मी की फोटो कैसे लग सकती है। मुझे तो इसका कारण नहीं समझ में आ रहा है कि भगवान गणेश लक्ष्मी जो जीवन में विघ्न को दूर करते हैं, जो समृद्धि खुशहाली के देवता माने जाते हैं, उनका विरोध भारतीय जनता पार्टी क्यों कर रही है। इसका कारण पहले बीजेपी को स्पष्ट करना चाहिए, क्यों क्या नफरत है, क्या परेशानी है आपको तस्वीरों में, करेंसी में तस्वीर लगाने से भगवान की। और ये तो संजय जी इंडोनेशिया की करेंसी है, बीजेपी को घेरने के लिए ये सब कर रहे हैं। करेंसी में जहां तक 85% फुल स्क्रीन दिखा लीजिए, फिर सवाल पूछूंगी। हां मैं पूरी बात, फुल स्क्रीन दिखाइए जी, मैं पूरी बात कर लूं। ये इंडोनेशिया की करेंसी है जहां पे 85% आबादी मुस्लिम्स की है, वहां पर करेंसी में भगवान गणेश की फोटो हो सकती है। ये डॉलर है अमेरिका का जो सबसे सशक्त और मजबूत माना जाता है, इस डॉलर पे क्या लिखा हुआ है, इन गॉड वी ट्रस्ट। इसके अलावा मैं आपको भारत के करेंसी की दिखा रहा हूं और अधीर रंजन चौधरी जी से अगर कोई आपका प्रवक्ता हो तो जाके सवाल जरूर पूछेगा। ये दरबार साहब की फोटो है सिक्के के ऊपर, ये सिक्के के ऊपर फोटो है। अब मैं आपको दिखा रहा हूं मां शेरावाली की तस्वीर, मां शेरावाली की तस्वीर है, ये मां शेरावाली की तस्वीर है 5 रुपए के ऊपर, ये हमने बनाई है, ये बनी है 2008 से 2011 के बीच में, तब अधीर रंजन जी की पार्टी देश की सत्ता में थी। इस देश में सिक्के बने हैं जिसमें दरबार साहब की फोटो, जिसमें एक बृहदेश्वर मंदिर, एक अभी मैं आपको एक और मंदिर की तस्वीर दिखा रहा हूं, एक मंदिर की तस्वीर है, बृहदेश्वर मंदिर है, ये साउथ का मंदिर, ये सिक्कों पे बना हुआ है ठीक। और सिक्कों पर तो देवी देवताओं के बहुत सारी तस्वीरें और फोटो आपको मिल जाएंगे ठीक। 2008 से लेकर 2011 के बीच में सिक्के ऐसे बने हैं और बहुत सारे सिक्के बने हैं ठीक है। लेकिन बीजेपी को कोई काम, कोई मांग अरविंद केजरीवाल जी, और अरविंद केजरीवाल जी ने क्या ये कहा कि हमें शिक्षा पे काम नहीं करना, स्वास्थ्य पे काम नहीं करना, बिजली पानी पे काम नहीं करना, देश की तरक्की पे काम नहीं करना, ये तो कहा नहीं, नहीं लेकिन उन्होंने कहा भाई हमें देश की तरक्की पे, खुशहाली पे काम करना है। अब ये बताइए ना सर, भगवान का आशीर्वाद भी लेना है संजय जी, ये तो भगवान का आशीर्वाद अगर केजरीवाल मांग रहे हैं, देश से इनको परेशानी क्या हो रही है। संजय जी, सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस को घेरने के लिए थोड़ा ना इतनी बड़ी बात कही होगी आप लोगों ने, उन्होंने कहा कि इससे अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी। कैसे, मतलब नोट पर फोटो लगने से अर्थव्यवस्था कैसे सुधरेगी, ये तो बताया नहीं आपने। नहीं नहीं नहीं, आपने पूरी बात शायद सुनी नहीं उनकी। उन्होंने कहा कि हमें देश की अर्थव्यवस्था को, हर अच्छा कार्य शुरू करने के लिए हमें भगवान का आशीर्वाद चाहिए होता है। आप मुझे बताइए, कोई स्कूल का उद्घाटन हो तब भी भगवान की पूजा होती है।
घर का गृह प्रवेश हो तब भी भगवान की पूजा होती है, सेना हमारी युद्ध करने जाती है तब भी भगवान की पूजा करके जाती है, हर अच्छे कार्य में शुभ कार्य में भगवान की पूजा होती है। अभी दीपावली हुई, चाहे पत्रकार हो चाहे नेता हो चाहे बड़े बड़े अधिकारी हो, सबने भगवान की पूजा की, गणेश लक्ष्मी की पूजा की। अब भगवान की पूजा अगर की और उन्होंने कहा कि अगर हमको भगवान का आशीर्वाद मिल जाए देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, इसमें कौन सी गलत बात कह दी, क्या पाप कर दिया, क्या पाप कर दिया, इतना उसको गुनाह मान के पीछे पड़ी हुई। बस ये सारे प्रवक्ता बीजेपी के पीछे पड़ गए हैं। कण कण में राम देखने वाले, आज नोट पर गणेश जी और लक्ष्मी जी की तस्वीर लगे, इसमें क्यों आज नुक्स निकाल रहे हैं? देखिए अंजना जी, हमारे मन में हर्ष भी है और विषाद भी है। हर्ष इस बात को लेकर है कि भारत की राजनीति में कितना परिवर्तन आ गया, यह देखकर प्रसन्नता होती है। बताइए, ममता बनर्जी जी चंडी पाठ करने लगी चुनावी मंच से, प्रियंका गांधी जी देवी स्तुति कहने लगी चुनावी मंच से, अखिलेश जी को सपने में भगवान नजर आने लगे, राहुल गांधी मंदिर मंदिर जाने लगे और केजरीवाल जी को नोट पर भगवान का आख्यान नजर आने लगा। कितना बदलाव आ गया भारत की राजनीति। अरे सर, बदलाव की तो पूछिए मत, सुधांशु जी एक सेकंड आपको टोक रही हूँ, दिल्ली में बैठे हुए। बदलाव की तो पूछिए मत, ये वाला ट्वीट आप सुनेंगे तो आपके पैरों की जमीन खिसक जाएगी, आपकी बोली बोलने लगे हैं। सुनिए पहले, फिर आगे जवाब दीजिएगा। नरेश बालियान जो कि इनके विधायक है, अगर मैं सही हूँ विधायक है ना संजय जी? जी हाँ विधायक। विधायक जी की बात सुनिए, हमारे दर्शक भी सुनेंगे। हिंदुस्तान में रहना होगा बीजेपी वालों को तो श्री गणेश लक्ष्मी जी की जय बोलना होगा। अब देखिए, इंडिया पाकिस्तान लेकर आ रहे हैं, वो भी भेजेंगे आप लोगों को पाकिस्तान अगर नोट पर गणेश जी और लक्ष्मी जी नहीं बनाएंगे तो। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूं, जो मैंने इतने नेताओं का नाम गिनाया और आप देखिए किस ढंग का बदलाव इस देश में आया, कि जिस पार्टी का गुजरात का अध्यक्ष गोपाल इटालिया ये कहता है कि मंदिर शोषण के केंद्र हैं, कथा में मत जाओ, देवताओं देवी देवताओं को मत पूजो, वो उसके राष्ट्रीय संयोजक आज ये बोलने लगे, कितना बड़ा बदलाव है। जिनके मंत्री ने अभी अभी हाल ही में बर्खास्त हुए मंत्री देवी देवताओं के विरुद्ध, हिंदू देवी देवताओं के विरुद्ध शपथ लेते हैं, वो लोग आज ये बोलने लगे, चाहे चुनाव के लिए ही सही, पर मैं कहता हूं कि बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं, क्योंकि दिल्ली में बैठे हुए अब मोदी सरकार नजर आते हैं, तो यह बदलाव है। हाँ, जहां तक इनका कहना है तो मैं एक बात कहना चाहता हूं, एक फैक्ट जो अभी हमारे मित्र संजय जी दिखा रहे थे। हाँ। ये इंडोनेशिया का नोट दिखा रहे थे ना, इसमें एक चीज और मैं संजय जी के संज्ञान में डालना चाहता हूं, वो नोट में जो बगल में जिस व्यक्ति की तस्वीर है वो पता है कौन है संजय जी? वो है अहमद सुकर्णो, वो इंडोनेशिया में जो हमारे यहाँ गांधी जी की स्थिति है वो माने जाते हैं। और अहमद सुकर्णो का बयान जानते हैं क्या है? वो 26 जनवरी 1950 को पहले गणतंत्र परेड के मुख्य अतिथि थे और 1951 में फर्स्ट नॉन अलाइन कॉन्फ्रेंस में आए थे, तो जब उनको भेंट दी थी नेहरू जी ने तो उन्होंने कहा था नहीं मुझे एक और भेंट चाहिए, तो उनका क्या भेंट चाहिए, कहा चार घड़े गंगा जल, तो पाकिस्तान वालों ने कहा ये क्या मुस्लिम होके मांग रहे हैं? तो इन्हीं अहमद सुकर्णो ने कहा था बाई चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस वी हैव चेंज अवर वे ऑफ वर्शिप बट वी कैन नॉट चेंज अवर फोर फादर, पूजा पद्धति बदल गई पूर्वज नहीं बदल सकते। तो वो तो अपने को पूर्वज हिंदू मानते हैं, आप मानते हैं क्या? हम तो कहते हैं कि सारे मुसलमानों के पूर्वज हिंदू थे। आप बताइए, आप अगर आप इंडोनेशिया का वो और इंडोनेशिया के अहमद सुकर्णो का चित्र तो उनके वक्तव्य और इंडोनेशिया वाले जिस ढंग से वो भाव रखते हैं वो सारी बात मानते हैं क्या? मगर अंजना जी, ये मानने की बात नहीं है, ये तो कुछ चाहने की बात है। लक्ष्मी दर्शन करने के लिए वो बेचारे शराब से लेकर और बिजली तक क्या क्या जतन और घोटाले कर चुके हैं, अब कोई बात नहीं तो उनको पूजा में यही ध्यान आया है। तो मैं सिर्फ एक लाइन कहना चाहूंगा कि भाई ये तो वो है, इनके ऊपर क्या टिप्पणी की जाए, कि रह रहे के बदलते हैं दिन रात नए चोले, मतलब के ये रसिया है, इन पर कोई क्या बोले, ये तो पूरा देश इनका चरित्र देख चुका। अन्यथा जो मैंने कहा, जिस इंडोनेशिया की फोटो, जिस इंडोनेशिया का रेफरेंस आज अरविंद केजरीवाल जी ने बताया है, उस इंडोनेशिया में जो राष्ट्रपिता की हैसियत रखते हैं, उस अहमद सुकर्णो के वक्तव्य और बात से सहमत है या नहीं? ठीक है, मैं इस पर जवाब ले लूंगी। ये लोग नोट पर फोटो लगनी चाहिए नहीं लगनी चाहिए सुधांशु जी, क्योंकि नोट का जिक्र आप भी हमेशा करते थे आज तक पर।
भारत की करेंसी पर लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए, स्टैंड तो क्लियर कीजिए। बिल्कुल, आपने जो बात कही है, हाँ, भारत की करेंसी के ऊपर क्या होना चाहिए या भारत का रिजर्व बैंक तय करता है, भारत का रिजर्व बैंक तय करेगा क्या होना चाहिए। मगर मैं तो कह रहा हूँ जो लक्ष्मी गणेश की बात करते हैं वो लोग हैं जो गा से गमला और गा से। वाह भाई संजय जी, वाह वाह आम आदमी पार्टी, वाह, कहाँ है आपके चरण भाई, मैं पैर पढ़ लूँ आपके आगे। कल तक आप हिंदुत्व हिंदुत्व का ढिंडोरा पीट रहे थे और आज आपको फोटो के अंदर, हमारे करेंसी नोटों के अंदर हमारे भगवानों की फ़ोटो चाहिए। शर्म आती ही नहीं आती दोगलेपन की भाई, शर्म करो, दोगलापन इतना भी मत दिखाओ कि जनता को समझ में आ जाए भाई तुम क्या कर रहे हो। मतलब हद है यार, हद है, बेवकूफ़ समझ रहे हम लोगों को तुम लोगों ने, है कि तुम लोग बेवकूफ़ बनाओगे और हम बन जाएंगे। भाई दिमाग से गलतफहमी निकाल देना संजय जी, दिमाग से गलतफहमी निकाल दो, बेवकूफ़ बनने वाली कौम नहीं हम, बेवकूफ़ नहीं बनते हम, समझ में आया। मैं तो इसके पक्ष में हूँ कि हमारे भगवानों की फ़ोटो लगा देनी चाहिए, लेकिन लेकिन आपकी मंशा पे शक है भाई, हमें पता है आप क्या करना चाह रहे हो, आपको पता है बीजेपी लगाएगी नहीं वोटों पे, नोटों पे फ़ोटो नहीं, आपको पता है कि नोटों पे बीजेपी फ़ोटो लगाएगी नहीं, और इस वजह से हम बीजेपी को घेरेंगे कि भैया देखो हिंदू के खिलाफ हो गई, हिंदुओं के भगवानों की फ़ोटो नहीं लगा रही। शर्म करो यार, तुम लोग बैकफुट पे मत खेला करो, कभी तो फ्रंट फुट पे खेलने की कोशिश करो। बैकफुट पे खेल खेल के तुमने ना ये बेवकूफ़ बना दिया तुमने लोगों को, अब नहीं बनने वाले लोग बेवकूफ़। ये जो तुम्हारी जो शौक बढ़ रहे ना प्रधानमंत्री बनने के देश के अंदर, भूल जाओ अभी। मतलब यार शर्म ही नहीं आती भाई लोगों को, दोगलेपन की भी हद है यार, इतना दोगलापन, मतलब शर्म ही नहीं आती भाई इन लोगों को थोड़ा, मतलब इन लोगों को ये लगता है कि भैया जनता बेवकूफ़ है, बस ढिंडोरा पीट दे। हिंदू तो हिंदू हिंदू दिख रहे थे थोड़े दिन पहले तो आपको सिर्फ और सिर्फ, अब आपको पता है भैया अगर सत्ता में आना है तो हिंदू को वोट ही चाहिए आपको, तो उसके लिए हमें ये राजनीति चाहिए। अरे शर्म ही नहीं आती भाई, थोड़ी बहुत भी शर्म नहीं इन लोगों को भाई, क्या बोल सकते हैं हम। यही बोलना चाहूँगा भैया संजय जी, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, ऐसी घटिया राजनीति ना करें, करने वाली अच्छी राजनीति करें ताकि जनता आपके पास आए, खुद आपको चल के वोट दे। ये पावर है जनता की वोट की, ऐसे वोट नहीं देती, कन्विंस करना पड़ता है, आपके अंदर इतनी है नहीं कि आप हमें कन्विंस कर सकते हो, ठीक है सर। तो दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, फिर मिलेंगे ऐसे वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।